हरिहर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए जानते हैं, सबसे पहले बात करने वाले हम विवाह की रेखा को लेकर। यहाँ होती है हमारी विवाह की रेखा, ये हमारी हृदय रेखा है और इसी के ऊपर हमारी विवाह की रेखा होती है। अगर ये विवाह की रेखा ऊपर के लिए उठ जाए सीधा बुद्ध पर्वत के लिए, तो ऐसे बंदों का विवाह बहुत मुश्किल से होता है, लगभग ना के बराबर ऐसे बंदों की शादी होती है। उसके साथ साथ अगर उंगली के प्रथम पर्व पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए, अगर एकदम से क्रॉस का चिन्ह बन जाए, तो ऐसे का भी बंदों का विवाह बहुत ही मुश्किलों में होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किस उम्र में विवाह होता है। आप लड़के हैं तो अपना सीधा हाथ में देखेंगे, लड़कियां हैं तो उल्टे हाथ में देखेंगे कि हमारे किस उम्र में शादी होगी। तो मित्रों, हृदय रेखा से अगर एकदम से बिल्कुल भिड़ी हुई अगर शादी की रेखा है, विवाह रेखा है, तो आपके 16 साल से लेकर 20 साल के बीच में शादी हो जाएगी। और मित्रों, यहाँ से थोड़ा ऊपर है, यहाँ तो लगभग 20 साल के अंदर हो जाएगी, 25 से 30 तक। और मित्रों, अगर आपकी विवाह रेखा सीधा बुद्ध पर्वत पर ऊपर की ओर है, तो ऐसे में मित्रों हमें शादी में थोड़ी दिक्कत देखने के लिए मिलती है। 40 से लेकर 45 साल तक ऐसे जातकों की शादी हो जाती है। ये तो हुआ कि शादी कब होगी, अब हम जानने वाले हैं मित्रों शादी के बाद कौन कौन सी कठिनाई हमें आने वाली हैं। देखिए, अगर विवाह रेखा निकलते हुए उसमें यव का चिन्ह बन जाए, तो ऐसे में विवाह में कठिनाई आती हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं। और उसके बाद अगर बुद्ध पर्वत की ओर एक रेखा शुक्र पर्वत से आए और उसमें यव का चिन्ह बन जाए, यव का चिन्ह ऐसा होता है, ये यव का चिन्ह होता है, ये अगर बन जाए तो मित्रों ऐसे में पत्नी की तबीयत खराब रहती है, कलह कलेश होती रहती हैं। और अब हम जानेंगे कि सुखद विवाह कैसा होता है, अच्छी रेखाएं कौन सी हैं। यदि विवाह रेखा सीधी निकले आगे और इसमें एक स्टार का चिन्ह बन जाए, मित्रों का इसमें स्टार का चिन्ह बनता है, तो ये सबसे बढ़िया विवाह रेखा मानी गई है, सुखद जीवन ऐसे लोग यापन करते हैं। विवाह के बाद उन्नति होगी या नहीं होगी, यदि तारा का चिन्ह बना है, स्टार का चिन्ह बना है, तो उन्नति होगी। विवाह सुखकारी भी होगा या नहीं, देखिए अब विवाह सुखद होगा या दुखद, इसके लिए अगर हमारे बृहस्पति पर्वत पर, गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बना है, तो हमारा विवाह एकदम शुभकारी और विवाह के बाद हमारी उन्नति होती रहेगी। ये हुए हमारे विवाह को लेकर प्रश्न। आपको कमेंट करना है कि आपके हाथ में इसमें कौन कौन सी रेखाएं आपके हाथ में हैं। जो जो रेखाएं आपके हाथ में हैं आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।